हाँ जी, अब हमने स्टार्ट करना है सेक्स डिटरमिनेशन। किसी भी इंडिविजुअल की जीनोटाइप से सेक्स को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है? सेक्स या मेल हो सकते हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल फीमेल हो सकता है। सेक्स डिटरमिनेशन के लिए डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एक्स जीरो सिस्टम होता है, ड्रोसोफिला यानी ये जो फ्रूट फ्लाई होती है मक्खी, छोटी वाली मक्खी ड्रोसोफिला, इसके अंदर और ह्यूमन बीइंग्स और बाकी सारे मैमल्स के अंदर जो है वो एक्स वाई सिस्टम होता है। बर्ड्स फिशेस और बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है? डब्ल्यू जी सिस्टम होता है। ठीक है, डब्ल्यू जी का क्या मतलब है? दो क्रोमोसोम्स हैं डब्ल्यू जी। एक्स वाई का क्या मतलब है? एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमिन कैसे की जाती है ये हम देखते हैं। ये आप देखिए कि ये जो सिंबल है एरोहेड वाला, ये अमूमन ट्रेडिशनली रवायती तौर पे मेल्स के लिए को डिनोट करता है और ये जो ये साइन वाला है ये फीमेल्स के लिए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल होगा या फीमेल, ये उसकी जीन्स डिटरमिन करती है, उसकी विरासती तौर पे ये डिटरमिन होता है। ठीक है, अब ये कैसे डिटरमिन होता है? जो हमने पढ़ा एक्स और वाई, फीमेल्स के अंदर क्या होता है एक्स एक्स और मेल्स के अंदर जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है उसमें कौन से होते हैं? दो क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई। सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी पेयर की सूरत में होते हैं। मेल के अंदर उस पेयर में कौन से क्रोमोसोम्स होंगे? दोनों एक्स एक्स होंगे। और मेल्स के अंदर क्या होंगे? एक्स और वाई होंगे। अब मेल के अंदर एक्स वाई है यानी दो डिफरेंट है और फीमेल के अंदर दोनों सेम है। अब आप देखिए कि जब ये जो है फीमेल के अंदर फीमेल सेल्स में ये क्रोमोसोम है, तो जब इनसे आगे एग्स बनेंगे मियोसिस से, तो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब है कि एक एक्स एक एग में चला जाएगा, दूसरा एक्स दूसरे एग में चला जाएगा। मेल्स की सूरत में क्या होगा कि एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे स्पर्म में वाई क्रोमोसोम चला जाएगा। अब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है और जायगोट की डिवेलपमेंट से आगे नया इंडिविजुअल बनता है। तो पेरेंट्स से जो ये जो स्पर्म्स और एग्स बन रहे हैं उनके अंदर ये वाले सेक्स क्रोमोसोम्स हैं एक्स और वाई और एक्स और एग्स। ठीक है, अब हमें पता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, यानी जब इन आपस में एग्स और स्पर्म ने मिलना है तो इक्वल चांस है ये चारों आपस में किसी भी तरह से मिल लें। ये वाला एक्स इन दोनों में से किसी के साथ भी मिल सकता है, ये वाला एक्स इन दोनों स्पर्म्स में से किसी भी, ये वाला एक्स इन दोनों स्पर्म्स में से किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, किसी को भी। यानी स्पर्म ने फर्टिलाइज करना है एग को, चाहे वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करे इस एक्स को या इस एक्स को। जरूरी नहीं है कि ये इसी को फर्टिलाइज करेगा, जरूरी नहीं कि ये इसी को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो फीमेल वाला है, फीमेल के तो है ही दोनों एक्स। ठीक है, तो अब जब ये फर्टिलाइजेशन होती है यानी ये आपस में एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं, तो जो नया सेल होता है उसके अंदर क्या होगा? ये दो जब कंबाइन करेंगे एग और स्पर्म, तो उससे एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा। जो इंडिविजुअल होगा उसकी जीनोटाइप क्या होगी? एक्स एक्स। जो दूसरा जायगोट बनेगा उसमें जीनोटाइप क्या होगी? एक्स वाई। ठीक है, अब आप देखिए यानी चार किस्म के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, और आप इनमें से देखिए ये दो सेम है, ये दो सेम है। ठीक है, अगर आप इनकी रेशो निकालें कि कितने परसेंट चांसेस हैं इस कॉम्बिनेशन के और कितने परसेंट चांसेस हैं इस कॉम्बिनेशन के, तो 50-50% चांसेस। जितने चांसेस इस जायगोट के हैं एक्स एक्स के, उतने ही चांसेस एक्स वाई जायगोट के भी हैं। ठीक है, यानी 50-50% चांसेस हैं। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे डॉटर या सन के प्रोड्यूस होने के जो चांसेस हैं वो 50-50% हैं,
यानी इक्वल चांसेस होते हैं कि सन हो, और इक्वल चांसेस होते हैं डॉटर के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये डिटरमिन कैसे होगा कि डॉटर होगी या सन होगा, ये कौन डिटरमिन करेगा? तो ये डिटरमिन होता है स्पर्म से, क्योंकि आप देखिए फीमेल्स की तरफ से जो दोनों गैमेट आ रहे हैं वो दोनों सेम हैं, दोनों एक्स एक्स हैं, जबकि मेल की तरफ से जो गैमेट आ रहे हैं वो है एक्स और वाई। तो अगर एक्स गैमेट यानी ये स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म करता है, तो वो चाहे इसके साथ कंबाइन करे चाहे इसके साथ कंबाइन करे, बात तो एक ही है, एक्स एक्स ही बनेगा ना। लेकिन अगर वाई वाला कंबाइन करता है तो फिर एक्स वाई बनता है। अब वाई इसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ फीमेल की तरफ से कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम गैमेट दे रही है, और मेल की तरफ से एक्स गैमेट आ रहा है एक, और दूसरा गैमेट में वाई क्रोमोसोम है। तो सेक्स टर्मिनेशन के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? मेल, कि उसकी तरफ से दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स आते हैं, और डिपेंड करता है कि कौन सा जो एक गैमेट है वो फर्टिलाइज करेगा एग को। अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को तो उससे सन प्रोड्यूस होता है, और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को तो उससे जो जायगोट बनता है वो होता है फीमेल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस मैम। के सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कि जो ऑफस्प्रिंग है डॉटर होगी या सन, ये किस पे डिपेंड करता है? मेल पे डिपेंड करता है, ये फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, ये मेल पे डिपेंड करता है। और चांसेस कितने हैं? 50% चांसेस हैं दोनों के लिए, मेल जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल, इसके 50% चांसेस हैं, ठीक हो गया।